ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की श्रृंखला में बात करेंगे बुध का राशि परिवर्तन। सामान्यतः बुध देवता जो होते हैं वो 20 से 25 दिनों में एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन पिछले बार जब ये मेष में गए थे तो लगभग 68 दिनों तक 68 डेज तक ये वहीं पर थे, क्योंकि पहले ये डायरेक्ट मोशन में चल रहे थे, उसके बाद ये वक्री हो गए थे, फिर मार्गी हो गए थे। यानी मार्गी, वक्री और मार्गी होने के कारण 68 डेज तक लगभग तीन गुना, जो इनका एक राशि में रहते हैं उनसे तीन गुना ज़्यादा एक राशि में ये उपस्थित थे। और बुध का राशि परिवर्तन पर आप सभी पर बहुत अलग अलग प्रभाव हुआ भी होगा, वीडियो ऑलरेडी बताया गया था। अब ये 7 जून को, आगामी 7 जून को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। तो प्रत्येक लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो बुध देवता हैं उनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है 3rd हाउस का और 6th हाउस का, अति मारक हैं, आपके लग्नेश के एंटी माने जाते हैं और ये गोचर में आपके लग्न से द्वितीय भाव में जाएंगे और अष्टम को देखेंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इस समय परिवार को लेकर वाद विवाद होना, परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होना और साथ में गले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो रहेंगे वो थोड़ा सा खराब हो जाना और साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बुध देवता यहाँ पर अपने मित्र शुक्र की राशि में है, लेकिन शुक्र को, शुक्र ग्रह भी जो है वो मंगल को अपना मित्र नहीं मानता है। इस कारण यहाँ पर देखा जाए तो पूरा अच्छा रिजल्ट लग्न को नहीं मिलने वाला, अर्थात मेष लग्न वाले जातकों को बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेगा। परेशानियाँ उत्पन्न होंगी और परेशानी जब भी बुध उत्पन्न करता है तो कम्युनिकेशन में करता है, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन गैप से परिवार में वाद विवाद हो सकता है, इसका बेहद आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि त्वचा संबंधित जो रोग होंगे वो आप की बढ़ सकती, यानी स्वास्थ्य को लेकर, वो भी त्वचा को लेकर कहा जाए, क्योंकि त्वचा से संबंधित रोग ही बुध का दिया जाता है और बुध जब भी अष्टम में देते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर भी देते हैं। तो ओवरऑल मेष लग्न वाले जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए, यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए। वृषभ लग्न में बुध का जो डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आपके लग्नेश का अत्यंत योग कारक होता है, मित्र ग्रह होता है और इसको डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, द्वितीय भाव यानी परिवार का भाव, पंचम भाव यानी शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का, उदर का पार्ट, माइंड का पार्ट, ये सभी डिपार्टमेंट जो है बुध देवता को मिले हैं और ये गोचर करके आपके लग्न में ही आ रहे हैं। तो धन को लेकर लग्न में बैठ जाना, माइंड को लेकर लग्न में बैठ जाना, अर्थात जो आपके सोचने की जो क्षमता होगी कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत तेजी से बढ़ेगी। भाई बहन, परिवार, मित्र, रिश्तेदार सभी इस समय साथ देंगे, हर प्रकार से फंसा हुआ धन भी मिलने की संभावना वृषभ लगन वाले जातकों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल पहले से और ज़्यादा अच्छा होगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, किसी प्रकार की मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वृषभ में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मेष लग्न में परेशानी दिख रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर इस प्रभाव को और अच्छा कीजिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और जो बुध होते हैं वो लगन में दिशा बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन लगन में हो रहा है तो इनको डायरेक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा मिलेगा, इसलिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। जिनके प्रेम संबंधों में परेशानी चल रही थी वो प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, जिनके शिक्षा में परेशानी चल रही थी उनके शिक्षा में अच्छे समाचार मिलेंगे। हर तरीके से कहा जाए तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाले हैं बुध का राशि परिवर्तन। और जब समय अच्छा हो तो
निश्चित रूप से आपको सारे रुके हुए कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश आपके लग्न से द्वादश भाव में जा रहा है, आपका लग्नेश है और सुखेश है दोनों का मालिक होकर ये द्वादश में जा रहा है, तो निश्चित रूप से परिवार से दूर होने की संभावना ज़्यादा बनेगी, लंबी दूरी की यात्राएं बढ़ेंगी, खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी ना किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च का अकस्मात बढ़ना स्वाभाविक है, चाहे आप मकान पर कुछ खरीद रहे हैं उसके लिए भी खर्च जो होगा मकानों से संबंधित, उसके डेकोरेशन से संबंधित किसी प्रकार का खर्च हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएँ होंगी और यात्राएँ ज़्यादा ही हो सकती हैं इस बुध के राशि परिवर्तन के कारण, लेकिन ओवरऑल कहा जाए ये बुध का राशि परिवर्तन आपको स्किन से संबंधित परेशानी देगा, क्योंकि रोग स्थान को भी देखेगा तो स्किन से संबंधित परेशानी भी दे सकता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके वीज़ा नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से ये बुध का राशि परिवर्तन अच्छा होगा, बाकी के लिए सामान्य ही ये राशि परिवर्तन रहने वाला है। त्वचा संबंधित जिनको रोग ज़्यादा हो जाते हैं उनको बेहद ध्यान देना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि परेशानी है तो उपाय भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मिथुन लग्न वाले जातकों को एक तो बुध का बीज मंत्र कीजिए और साथ में शुक्र का भी बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि शुक्र जो आपके धन भाव में है विदेश को लेकर, तो धन हानि ना हो कम से कम, यात्राएं हो कोई दिक्कत नहीं, खर्च किया जाए लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे कम पड़ जाए, तो पैसे ना कम पड़े इसलिए शुक्र का बीज मंत्र आपको करते चलना चाहिए और अपने लग्नेश का बीज मंत्र तो आप करेंगे। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जो बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है वो आपके लग्न के सापेक्ष में इनकम स्थान पर होगा, अभी दशम स्थान पे थे अब ये इनकम वाले स्थान पर इनका राशि परिवर्तन होगा और ये विदेश के मालिक हैं यानी एब्रॉड के मालिक हैं और साथ में आपके मेहनत के भी मालिक हैं, छोटे भाई बहनों के भी मालिक हैं, तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों को लेकर इनकम में आना, विदेशों से लेकर इनकम में आना, इसका मतलब है आत्मविश्वास को लेकर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से आत्मविश्वास होगा या तो ये कह लीजिए, यानी आय के साधन को लेकर बड़ी अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा और कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं मीडिया में या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्योंकि इनकम का जो मालिक होता है वो बुध कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कराता है, चार्टेड अकाउंटेंट अगर है तो उनका इनकम बढ़ाएगा और जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं उनके इनकम को बढ़ाएगा, तो हर तरीके से इनकम का बढ़ना और मेहनत तो बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज़ निश्चिंत रहना चाहिए कि एटलीस्ट मेहनत करने के बाद इनकम बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल इनकम बढ़ेगा और मेहनत आपको या आप मेहनत कर रहे हैं इनकम बढ़ाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध जो रहेंगे वो यथावत बने रहेंगे और सबसे अच्छा परिणाम तो विद्यार्थी वर्गों के लिए जो कि कर्क लग्न वाले जातक हैं, उनके पंचम पर बुध देवता की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं उनको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा मेहनत से अगर आप पूरे ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है, केवल आपको ओम नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। इसके अलावा सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं ये पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए सिंह लग्न में जो बुध देवता हैं उनको एक तो इनकम का डिपार्टमेंट मिला और एक तो धन का डिपार्टमेंट मिला है, परिवार का डिपार्टमेंट मिला है, वाड़ी का डिपार्टमेंट मिला है और ये खुद इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है दशम भाव में हो रहे हैं। देखिए दशम भाव में कहा जाए तो बुध का रिजल्ट ओवरऑल बहुत ख़राब नहीं रहेगा, मित्र राशि में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर प्रमोशन के योग बनते हैं, कोई भी काम बहुत ज़्यादा रुक गया हो, इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे थे, रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहे थे, तो इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको आता हुआ निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूँ, इनकम तो बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इनकम बढ़ने वाला है और धन भी आएगा, परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहेगा और अगर आप घर से संबंधित किसी प्रकार का इंटीरियर कराना चाहते हैं या मकान नया खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर तरीके से आपके लिए समय काफ़ी दिनों के बाद अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, केवल और केवल आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए और कोशिश कीजिए अगर धन की तंगी होती है तो दारिद्र्य दुग्ध दयनाय नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए 7 जून को जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है बुध का, वो आपके भाग्य भाव में हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी कन्या में क्या चल रही थी कि पिछले 68 दिनों से बुध अष्टम में बैठा था। लग्नेश जब भी अष्टम में बैठ जाएगा तो हालत वैसे ही खराब कर देता है, 50% तो चीज़ें निगेटिव अपने आप हो जाती है। अब जाकर कन्या लगन वाले जातकों के लिए अच्छा समय स्टार्ट होगा, क्योंकि भाग्य में जा रहे हैं, आपका जो लग्नेश है भाग्य में जा रहा है, तो धार्मिक यात्राएं होना और साथ में छोटी यात्राएं जो रहेंगी वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगी इस दौरान। और धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन की तरफ और योगा प्राणायाम इत्यादि की तरफ भी झुकाव आपका काफ़ी बढ़ने वाला है, पराक्रम बढ़ेगा और अब मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से मिलेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है कन्या लगन में, एक तो आपका कर्म स्थान का डिपार्टमेंट है, वो कर्म स्थान से द्वादश जा रहे हैं तो स्थान परिवर्तन नौकरी व्यवसाय में होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाए जो आत्मविश्वास पहले से पूरा गड़बड़ हो गया था, अब वो आत्मविश्वास कन्या लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका लग्नेश भाग्य में रहेगा तो पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा या पिता तुल्य लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलने के कारण आत्मविश्वास और बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता भी आने वाली है। तो कोई बहुत खराब रिजल्ट मैं नहीं देख रहा, इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये राशि परिवर्तन बहुत दिनों के बाद कहा जाए तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसको और अच्छा करने के लिए गणेश भगवान की प्रतिदिन आपको आराधना करनी चाहिए। तुला लग्न की बात कर रहे हैं, देखिए तुला लग्न में जो बुध का राशि परिवर्तन होगा ये अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य अकेले थे तो वो खराब रिजल्ट दे रहे थे, परिवार में वाद विवाद हो जाना, गले में इन्फेक्शन होना, ये सभी चीज़ें चल रही थी। लेकिन बुध और सूर्य की ये जो युति एटलीस्ट 7-8 दिनों की जो प्रारंभिक बनेगी उसमें विदेशों में जाने के योग बन सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं बन सकती हैं। लेकिन उसके बाद सूर्य मिथुन में चले जाएंगे और बुध वहीं पर अष्टम में रहेंगे और अष्टम का बुध जो है जिस भाव का डिपार्टमेंट है उसको लेकर ऑब्स्टकल में जाएगा, पिता को लेकर परेशानी उत्पन्न होना, भाग्य नहीं साथ देना और साथ में विदेशों से कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं बनेंगे। इसलिए जो भी काम करना है सूर्य के राशि परिवर्तन अर्थात 15 जून से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पर अकस्मात एक बड़ा नुकसान होने की भी संभावना जरूर दिख रहा है। भाग्य के भरोसे कोई भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, निश्चित रूप से असफल ही रहेंगे अगर भाग्य भरोसे कर रहे हैं। कर्म के भरोसे करते हैं तो कुछ सफलता ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। और ओवरऑल मैं कहूँ तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, केवल प्रारंभिक 7 दिनों में कुछ लाभ मिलेगा, उसके बाद जब तक इनका राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक ये आपको परेशानियों में ही लेकर आएंगे। एक के बाद एक नया खर्च आएगा और इसको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि परेशानी आ रही है लेकिन इसका उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। एक तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, शुक्र इस समय आपके लिए अच्छे जगह पर बैठे हैं इसलिए शुक्र का बीज मंत्र करने से आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। और कोशिश कीजिए क्योंकि बुध ग्रह जो होता है कम्युनिकेशन का देवता होता है, मीडिया का देवता होता है और साथ में अकाउंटिंग के लिए जाना जाता है, तो इस समय अगर इन क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों को अगर आपने मान सम्मान दिया तो इस समय आपका जो ये राशि परिवर्तन होगा कुछ हद तक आपके पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि प्रारंभिक 7 दिन में जो भी काम निपटाना हो वो जल्दी कर लीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों तो केवल शुक्र का राशि परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए, शुक्र से संबंधित बीज मंत्र ज़रूर करना चाहिए। अब हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए वृश्चिक लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम भाव में हो रहा है। बुध और सूर्य का सप्तम भाव में उपस्थित होना और ये इनकम के मालिक हैं और साथ में अष्टमेश भी होते हैं तो अति मारक की संज्ञा दी गई है सप्तम भाव में। जब तक ये सूर्य बुध रहेंगे तब तक तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव अगर करते हैं तो उसमें भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही सूर्य का राशि
परिवर्तन हो जाएगा और बुध अकेले सप्तम भाव में रहेंगे तो दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ परेशानी आते हुए प्रतीत होगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के को लेकर जो है किसी प्रकार का पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा और यही एक चीज़ रहेगी जो इस पूरे राशि परिवर्तन में पॉजिटिव दिखाई देगा। लेकिन बोलने की जो क्षमता होती है, बोलने की जो कला होती है या फंड्स को अरेंज करने के लिए जो आपका प्रयास रहेगा वो सार्थक रहेगा, इसलिए मेहनत लगातार कीजिएगा। एटलीस्ट अर्थव्यवस्था को लेकर खराब समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, केवल परेशानी जो है दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो ये समय आपके पक्ष में आ जाएगा। और इस समय बजरंग बाण का पाठ आपको करते रहना चाहिए और कोशिश कीजिए कि मंगलवार को आपको बजरंग बली के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहिए और उस दिन अगर फास्ट रखते हैं तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद हम धनु लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में जो बुध को डिपार्टमेंट दिया गया है, एक तो सुख स्थान का, एक तो कर्म स्थान का डिपार्टमेंट दिया गया है और दूसरा आपके जीवन साथी का स्थान दिया गया है। तो जीवन साथी के मालिक रोग में जा रहे हैं, आपके कर्म के जो मालिक हैं वो रोग में जा रहे हैं और स्थान परिवर्तन को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है। जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं उनके लिए और ज़्यादा परेशानी, क्योंकि स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके अलावा स्किन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी भी धनु लगन वाले जातकों को देखने को मिलेगी और परिवार में भी वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है। तो बहुत अच्छा राशि परिवर्तन नहीं है धनु लगन वाले जातकों को, और केवल आप गुरु का बीज मंत्र कीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि इस ड्यूरेशन में किसी ऐसे लोगों की या ऐसे बच्चों की जो कि शिक्षा नहीं कर पा रहे उनकी अगर आप कुछ आर्थिक मदद कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय ये भी हो जाएगा। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन वाले जातकों के लिए जो ये समय होने वाला है, इसमें बुध एक तो योग कारक ग्रह होता है और ये एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर, क्योंकि सूर्य के साथ भी युति करेंगे, सूर्य जो होते हैं वो आपके अष्टमे जरूर हैं लेकिन पढ़ाई में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे अकेले सूर्य, अब यही सूर्य आपको मदद करेंगे और आपके कार्यस्थल को लेकर जो है बदलाव की स्थिति थोड़ी बहुत बन रही है, लेकिन ओवरऑल जो भी चीज़ हो रहा है वो आपके पॉजिटिव चीज़ के लिए होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठ जाता है तो रिजल्ट अच्छे रहते हैं, तो मानसिक चिंताएँ कम होंगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अर्थव्यवस्था से भी संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल हर तरीके से अच्छा परिणाम मकर लगन वाले जातकों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो ये बुध देवता रहेंगे वो आपके सुख भाव में जाएंगे और सूर्य के साथ ये युति करेंगे। सूर्य आपके सप्तमेश होते हैं और जो बुध होते हैं आपके अत्यंत योग कारक होते हैं, ये पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, पंचम सप्तम की युति होगी तो प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, प्रेम विवाह के योग जो है बहुत ही से बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश इस समय करना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा और कार्य व्यवसाय में भी अगर आप प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव करते हैं तो प्रमोशन होने की संभावना बन रही है और अगर आप किसी प्रकार के टेंडर रिलेटेड काम करते हैं जो गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का सपोर्ट जो रहेगा वो थोड़ा मिश्रित रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म पे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, हर चीज़ को प्रॉपर प्लान वे में अगर करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे और शनि का बीज मंत्र तो आपको लगातार अभी करते ही रहना चाहिए। अंतिम लग्न की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। देखिए बुध का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो मेहनत में जा रहे हैं, पराक्रम में जा रहे हैं और डिपार्टमेंट जो दिया गया सुख का डिपार्टमेंट है, विवाह का डिपार्टमेंट है, दोनों ही मेहनत में जा रहे हैं। तो सुख संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, ये कन्फर्म हो और मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन विवाह के लिए भी अगर देखा जाए, अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर मेहनत ज़्यादा बढ़ेगा और मेहनत बढ़ने से आपको डरना नहीं चाहिए। परिवार में जो कलह चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, अब वो परेशानी थोड़ी कम होगी। अगर आप न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम में ज़्यादा रहे हैं तो आपकी न्यूरो की प्रॉब्लम कम होगी और योगा प्राणायाम धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान जो होगा वो ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
जाएगा। ओवरऑल जो शुक्र बुध का जो राशि परिवर्तन है, एक तो आत्मविश्वास में वृद्धि भी करेगा, जो आपका आत्मविश्वास काफी दिनों से परेशानी चल रहा था उसमें वृद्धि भी करेगा, और साथ में बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको देगा। तो हर तरीके से कहा जाए थोड़ी मेहनत जरूर बढ़ेगी लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन जो कि 7 जून को होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।